अध्यक्ष है न्यूज रिपब्लिक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरजग्राम वार्ड नंबर 2 में, आर ए राधानगर पंचायत के अंडर में आते हैं। और इससे पिछले एपिसोड में आपको दिखाया है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा किस तरह से कार्रवाई किया गया, और कार्रवाई करते हुए एक घर का जो रोजी रोटी चलता था वो है सब्जी उगा के चलाया जाता था, और उस सब्जी खेती को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया गया कार्रवाई करते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा कहा जा रहा है। एपिसोड में मैंने रिपोर्टिंग किया था। और यहाँ पे देखिए एक रोड का जैसा शेप बनाया गया, और शेप बनाते हुए देखिए वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम जो है भारत सरकार द्वारा जो है स्कीम के तहत टॉयलेट बाथरूम बनाया गया। उसका पीछे जो है जितना भी सब्जी उगाते हैं और जो बड़े कुछ कुछ पेड़ है, नारियल पेड़ है, सुपारी पेड़ है, और इस पेड़ को जो किस तरह से हिताची द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा। और इसका बारे में आज मैं रिपोर्टिंग दोबारा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका विस्तार अपडेट मैं देने जा रहा हूँ। ये जो लैंड का ऊपर हिताची चलाया गया, उनका पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर में 14 बताया जा रहा है सर्वे नंबर, और इनको जब करंट कनेक्शन देने का टाइम जो एफिडेविट है, एफिडेविट में बताया गया 6P, जो सर्वे ने बताया 6P में ये करंट लिया है, करंट कनेक्शन दिया है, और ये जो टॉयलेट बाथरूम है वही सर्वे नंबर में। और उसके बाद जब कार्रवाई करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा, तो कार्रवाई करते हैं तो इसमें बता रहा है 14 सर्वे नंबर में जो है मैंने हिताची चलाया। तो देखिए एक ही जगह को दो सर्वे नंबर बताया जा रहा है, और ये व्यक्ति जो यहाँ पे रह रहे हैं करीबन 25 साल से इसी जगह पे इंक्रोचमेंट करके रह रहे हैं, और 1000 स्क्वायर मीटर जो इनका बॉन्ड में तहसीलदार का साइन के तहत ये बॉन्ड, वो भी मैं दिखाएंगे, बने रहिए। और जो डिस्ट्रॉय करने का टाइम जो ऑर्डर निकला वो ऑर्डर भी हम दिखाएंगे, और इसके बाद आप दिखाएंगे पीछे किस तरह हाल कर दिया वो भी देखिए, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का किस तरह से कार्रवाई किए गए, और ये लोगों का क्या कहना है, और प्रधान से भी हम मिलेंगे, ये जो डिस्ट्रॉय किया गया प्रधान जी को क्या कहना है, और इनका जो बेटा है उस दिन तो उसका माँ से बात किया और उसके पिताजी से बात किया, उसके बेटे से बात करेंगे और प्रधान से बात करेंगे, क्या कहना चाहता है ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इस तरह कार्रवाई को लेके। चलिए बने रहे हमारे साथ, क्या कहते हैं जानने की कोशिश करते हैं। प्राइम मिनिस्टर स्कीम का द्वारा ये टॉयलेट बनाया गया, और वहाँ पे देखिए टॉयलेट के सामने एक पेड़ था, यहाँ पे सुपारी पेड़ था यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे टॉयलेट का सामने वाला जो पेड़ है इसको भी, पेड़ को भी हिताची द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया। ये एक पेड़ है, दूसरा आवड़े के पेड़ है जो हिताची द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया। घर का एकदम बीचों बीच टॉयलेट है, देखिए इस तरफ है टॉयलेट, और इसका दूसरा तरफ जाएंगे तो देखिए इनका घर है, जो रसोई घर है, ये दोनों का बीचों बीच जो है ये पेड़ थे, यहाँ पे भी इसको नष्ट किया गया हिताची द्वारा। ये देखिए सुपारी पेड़ का घर का, दोनों घर का बीच से जो दो पेड़ था उसको भी निकाला गया, सुपारी पेड़ देखिए निकाल के। और आज जो मैं दिखा रहा, देखिए दृश्य सारा पेड़ देखिए किस तरह से है, जो सारे सब्जी खेती पूरा डिस्ट्रॉय किया गया। पहले ये बताइए, ये जो अभी एंक्रोचमेंट को तोड़ा गया है, तो वैसे में रास्ते के लिए तोड़ा गया है ये कहना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, तो वैसे में ये कितना पुराना एंक्रोचमेंट है और कितने लोग रहते थे यहाँ पे? सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप लोग इतना दूर से आए हैं यहाँ पर रिपोर्ट लेने के लिए, बहुत ही बढ़िया है। और मैं राधानगर ग्राम पंचायत की प्रधान हूँ, मेरा नाम है नीलिमा समादार। मैं यहाँ पर बोलने से पहले तो ये मालूम नहीं था कि यहाँ पर हाउस सेट है करके, हम सबको मालूम था कि हाउस सेट रोड का दूसरा तरफ, मतलब बिल्कुल ही अलग जगह। और अभी जस्ट 2 साल पहले डिमार्केशन होने के बाद पता चला कि यहाँ पर हाउस सेट है, तब से पता है कि यहाँ पर हाउस सेट है करके, लेकिन इनका घर उसमें फंसता नहीं है घर का। आपको कब से कब मालूम पड़ा कि यहाँ पर हाउस सेट है? क्योंकि इनका कहना ये है कि लगभग जो है 20-25 साल से जो है ये यहाँ पे रह रहे हैं। नहीं, पहले से मालूम नहीं था कि यहाँ पर हाउस सेट है करके, हमें ये पता है बहुत पहले से ही था कि हाउस सेट। आप प्रधान है और कई बार यहाँ पे आप जीत के भी आए, जिला परिषद मेंबर भी थी। और मैं सबसे पहले बात तो ये है कि मैं यहाँ का ही निवासी हूँ, तब मेरे को पता ही था, क्योंकि मेरा भी एक हाउस सेट है जो रोड का वो साइड में आता था, रोड का वो साइड पे आता था। अभी डिमार्केशन होने के बाद पता चला कि ये आपको अलॉटमेंट जो है, कहने का मतलब आपका अलॉटमेंट रोड का उस पर किया गया था, अभी कह रहा है कि यहाँ पे है। ये कब बताया आपको कि यहाँ पे? अभी 1.5 साल पहले डिमार्केशन हुआ, तभी मेरे को पता चला कि यहाँ पर है। पहले तो डिमार्केशन करके ही आप लोग अलॉटमेंट किए थे रोड के वहाँ पे? मैं तो खरीदी हूँ, इसलिए खरीदने से पहले मेरे को पता था वो साइड है, उस तरफ है। और
और खरीदने का पहले आपको वही जमीन को दिखा के फिर आपने परचेस किया होगा जी। अब उसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ? रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ऐसी मतलब क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट और ये बहुत ही खराब चीज है। जैसा कि मैं एक यहाँ का प्रधान हूँ, मेरे को कोई खबर नहीं है कि यहाँ पर ईटा से लेके रेवेन्यू डिपार्टमेंट तोड़फोड़ करने के लिए आ रहा है। पहले बात तो ये है, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे को जब पता चला कि ईटा से आया है करके, मैं यहाँ पर पहुँच गई थी और आके उन लोग को मना भी किया कि इस तरह आप लोग मत करो, और करने से कम मेरे को एक इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था, लेकिन वो तो किया नहीं है। उसी टाइम मैं तहसील ऑफिस गई, जाके तहसीलदार से बात किया कि आप लोग जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि किसी को रहने देना बोलने से आज 25-30 साल से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और आप लोग उन्हीं को तोड़ने के लिए वहाँ पर ईटा सी बेच दिया। लेकिन मेरे को या फिर जिनका घर यहाँ पर है, कम से कम इनको तो एक इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था। उनको भी कोई कॉपी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर तहसीलदार के आके उस टाइम फ़ोन किया, ईटासी वालों को मतलब किसी को भी फ़ोन किया, यहाँ पर सारा पाटवारी मतलब तहसीलदार ऑफिस में जितना पाटवारी था सब यहाँ पर मौजूद था। किसी को फ़ोन करके बताया कि ईटासी बंद करो करके, तब जाके बंद हुआ, नहीं होने से और भी करता था शायद जी। मैडम एक और उसमें पूछना चाहेंगे, जैसे कि इनका पास में एक एफिडेविट देखें जिसमें बाकायदा तहसीलदार जो है सील साइन करके दिया हुआ है, और उसमें जो है मेंशन किया है कि 1000 स्क्वायर मीटर जो है इन्होंने एंक्रोचमेंट किया हुआ है, उसी के बेस में जो है इनको करंट का कनेक्शन में मिला। और उसमें एक चीज़ हमने देखा कि वो उसमें सर्वे नंबर जो है 6/P लिखा हुआ है, और जो ऑर्डर निकाला गया है उसमें जो है आपको 14 दिया हुआ है सर्वे नंबर जी जी। तो वैसे में कहीं ना कहीं सर्वे नंबर भी मैच नहीं हो रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे तो फुल्ली ये लगता है कि इल्लीगल काम है जी। अभी डिपार्टमेंट ही कर रहा है शायद, या फिर मेरे को नहीं पता कि कौन कर रहा है, लेकिन करता तो है, जो भी करता है इल्लीगल करता है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जिस दिन ये तोड़ा गया है उस दिन जो है डिगलीपुर में एसी साहब भी नहीं थे, तो वैसे में आपको क्या कहना है इस विषय पे? इसमें पूरी तरह से चाल है कि एसी साहब भी नहीं रहेंगे, अगर कोई जाके उनको मतलब उनसे खबर करना या फिर कंप्लेन करना, उस टाइम इस लोग ये सब काम करने से मतलब झट से हो जाएगा। इसी तरह किया है, जैसा एसी सर छुट्टी में है उन लोग को पता है, तब भी जाके ये काम क्यों किया। और दूसरी तरफ हमने अगर आप देखेंगे तो इसमें एक और भी देखें कि जो मोदी जी का तरफ से जो टॉयलेट दिया जाता गरीबों को जिनके पास में टॉयलेट नहीं होता, इनको टॉयलेट भी दिया गया और कहीं ना कहीं उसको भी तोड़ने का प्रयास हुआ था, ये हमें सुनने में आया, क्या कहना चाहेंगे? टॉयलेट भी तोड़ने के लिए वो लोग आए थे, लेकिन वो मना करने के बाद वो छोड़ दिए। और जैसा मैंने बताया कि इस लोग को करंट दिए, तहसीलदार का साइन का ऊपर ही इन लोग को ये करंट मिला। फिर पानी का कनेक्शन जो है वो PWD से वो भी मिला है, फिर टॉयलेट मिला है, लेकिन हर चीज़ ये तो सरकार के तरफ से ही आया है, उसके बाद इसके ऊपर कैसे ये सब एक्शन होता है मेरे को ये समझ में नहीं आता। और एक बात मैं पूछना चाहूँगा मैम, ये तो इंक्रोचमेंट का मुद्दा जो हम लोगों ने किसी पिछली बार काफ़ी बार दिखा, जो डिगलीपुर बाजार में जो बड़े बड़े लोग हैं अमीर लोग हैं बड़े बड़े बिल्डिंग निर्माण कर दिया सारे सारे ऑफिसर के सामने नया इंक्रोचमेंट, तो उसमें कभी इस तरह अमीर पे ऊपर इस तरह इटाची का कार्रवाई नहीं होता? और एक गाँव में हम तो 20-22 किलोमीटर का इस तरह कार्रवाई करते हैं, आपका पंचायत के अंडर में क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि अगर किसी का तोड़ना ही है फिर सबका तोड़ो, क्यों एक गरीब आदमी का ऊपर ये सब एक्शन लेना है? अगर लेना है एक्शन तो सबका ले। और एक बात उसमें देखा गया जो लोग के पास जमीन जायदाद पैसा सब कुछ है उसके बाद वो लोग इंक्रोचमेंट करता, और ये जो व्यक्ति है जो है इनके पास जमीन में कुछ नहीं सर, यही इंक्रोचमेंट किया, यहीं पे रह रहे कैसे 1000 स्क्वायर मीटर जो इंक्रोचमेंट किया जो बॉन्ड में लिखा है, तो उसी के आधार पर बता रहा हूँ। तो ये कहाँ तक सही लग रहा है आपको? मेरे को बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, ये सब मतलब इलीगली काम है जो मेरा ख्याल से लगता है। और मैं ही नहीं, और जितना जन मतलब वो सुनते हैं या आते हैं सभी देखते हैं, सबको इस तरह लगता है कि इसमें कुछ इलीगल काम जरूर है। हाँ। नाम में हो रहा है तो उस एक ही पट्टा दिखाएगा जिसमें लिखा है कमर्शियल लैंड जी, जो इसमें हाउस है तो कमर्शियल है, बाकी किसी का कमर्शियल नहीं है, तो कह रहे उस कमर्शियल किया है उसी का व्यक्ति का कहीं ना कहीं उसी का इशारे पे हो रहा है। हो सकता है क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है, और मैं हमेशा तहसील ऑफिस में जाती हूँ, कभी भी जाने से मैं देखती हूँ उनका जो वाइफ है क्या बोले उसको
मतलब एक राइटर भी है और डेली कुछ ना कुछ काम के लिए जाती होगी, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि एक हाउस सेट के पीछे उनके पास बहुत सारा पैसा भी है और ये एक हाउस सेट के पीछे उनका इतना मतलब भागा दौड़ी, ये मेरा समझ में नहीं आता। और कुछ? मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई हो, तो हम सब गाँव वाले या फिर और कोई साथ देने मांगता कोई भी हो, हम सब मिल के एक साथ धरना करना चाहते हैं। कुछ और ये देखिए ये जो लड़का बता रहे हैं जिनका जो बेटा है, आपका नाम बताइए एक बार। मेरा नाम सुतन मंदा, नमस्ते। अजी अब कितना बजे के आसपास वो इटाची लेकर आपका यहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू किया? यहाँ में एक जो स्टार्ट हुआ था, हम बाजार गया था काम के लिए, तो मम्मी मेरे को फ़ोन करके बताया कि इस तरह इटाची आया। लगभग टाइम 11 बज गया था उस टाइम, 11:30 होगा उसी टाइम यहाँ में इटाची पहुँच गया बोलता। सारा जो ऑफिस स्टाफ लोग आ गया यहाँ में, हम डिगलीपुर में था, वहाँ से हम बाइक लेके घर में आया। आने के बाद दिखता हाँ यहाँ में पूरा सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्टाफ लोग है और भी DRM स्टाफ भी था, उसके साथ साथ 5 पुलिस कर्मियों भी था। उन लोग रहते हुए भी हम आके हिटाची का सामने खड़ा हुआ था, बोला कि हम लोग को टाइम दीजिए, हम लोग के जो तोड़ फोड़ चल रहा था, हम बहुत रिक्वेस्ट किया। सर्वेयर जी से बोला कि सर बंद कराइए बोल के, नाश मत कीजिए, हम लोग का जो सब्जी खेती है उसी से हम लोग पेट चलता है, कम से कम उन चीज़ को बचा के रखिए। तो कुछ भी बोला तो सर्वेयर सर, फिर हम क्या बोलता RI पाटवारी सबसे बोला कि सर कैसे भी करके बंद करा दीजिए, नष्ट मत कराइए, तो कोई सुना नहीं मेरा बात। बोलता जो भी करना जाओ तुम तहसीलदार ऑफिस जाके उनसे पूछो, हम लोग से बोलो मत, कोई मतलब बात करने नहीं चाहा। उनको जो भी आया जैसे भी दिल हुआ ऐसे करने लगा। जब हम हिटाची का सामने खड़ा हुआ तो मेरे को हाथ पकड़ के उठा के एक साइड में रख दिया। मेरा मम्मी का ऊपर भी देखा, जो पुलिसकर्मियों लोग पूरा हाथापाई किया, जैसे कि मम्मी वहाँ में खड़ा होने जाता तो उनको भी धक्का उक्का हाथ टान के हटा दिया, रहने नहीं दिया। तो वही चीज़ देखते हुए हम, हमारा जो प्रधान जी है यहाँ में था, तो हम प्रधान जी को बोला कि ऐसा ऐसा गलतियाँ हो रहा है, कम से कम कुछ तो बोले। तो मेरे को बोला कि ठीक है यहाँ में बोलता मेरा बात कोई नहीं सुनता, प्रधान जी का बात ना सर्वेयर ना पाटवारी ना RI कोई भी नहीं सुन रहा था। जिस उस वजह से प्रधान जी बोला कि चलो तहसीलदार ऑफिस, तो हम उनको साथ में लेके उसी टाइम चले गया ऑफिस। ऑफिस में जाने के बाद जब सबको बताने के लिए गया SC सर के पास, सर नहीं था छुट्टी में था, BDO सर के पास गया वो भी छुट्टी में था, उसके बाद तहसीलदार सर था ऑफिस में, तो सर के पास गया हम लोग, प्रधान जी भी गया, जाके बात किया कि ऐसा ऐसा तोड़ पर चल रहा है कैसे भी बंद करा दीजिए। तो वहाँ में जब बोल हमारा प्रधान जी बोला है, बोलने के बाद बंद नहीं कराया हम, उसके बाद भी मेरे को मम्मी घर से फ़ोन कर करके 2 घंटा तक तोड़ फोड़ चलते ही रहा। फिर हम बार बार तहसीलदार सर को बोला सर अभी तक बंद नहीं कराया, कैसे भी बंद करा दीजिए, सारा कुछ नाश कर दे रहा है। तो वहाँ में तब भी बंद नहीं कराया। जब हम लास्ट में क्या हुआ, हम डिगलीपुर से जो ये हम लोग का रिपोर्टर है उनको हम बोला, हम अपना गाड़ी देके भेजा, फिर जब उन लोग आ रहे सुन के शायद से बंद करके फिर रिटर्न किया होगा, नहीं तो जो तहसीलदार सर फ़ोन करके बोला तब भी नहीं बंद किया उन लोग, 2 घंटा तक फिर भी तोड़फोड़ किया। जो जहाँ में उन लोग का सुना दिया कि रोड कटने के लिए आया, रोड छोड़ के भी अलग से सारा कुछ कट के चले गया।